Hi guys, my name is Moeed and you are watching for you channel. अच्छा आज basically हम बात करने जा रहे हैं कि हमारे पर difference क्या है pile, pillar, pier and column में. अब ये basically आपके पास एक members हैं जो आपके पास basically use होते हैं at the sites पे different names होते हैं different इनकी reasons होती है use करने की. आज basically उस चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं कि इनमें basically main difference क्या है. So channel जरूर subscribe करो, bell icon को press करो और video जरूर like करो. और civil intro app को download कर सकते हो, link description में है. आपके पास interviews related questions और important points and MCQs available in this app में. So सबसे पहले बात करते हैं pile की. Pile हमारे पास क्या होता है, शॉर्ट शॉर्ट सी मैं आपको बताता हूँ, कोई लॉन्ग नहीं. लॉन्ग के लिए आपके पास बुक्स होती हैं, वीडियो आप इसी वजह से वॉच करते हो ताकि आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाए. सो मैं बेसिकली आप लोगों को कॉन्सेप्ट से, मैं आपको इतनी बड़ी डेफिनेशन लिख दूं लेकिन आपको कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो, इस वजह से मैं शॉर्ट शॉर्ट करता हूँ, ठीक है. सो सबसे पहले पाइल क्या होता है, एनी कंप्रेसिव मेंबर बिलो दी ग्राउंड लेवल. अंडरग्राउंड आप कोई भी कंप्रेसिव मेंबर यूज करते हो जिसने लोड बर्दाश्त करना है, वो आपके पास क्या कहलाता है, पाइल. अब पाइल बेसिकली जहां पे आपके पास बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल कम होती है या फिर आपके पास जो बिल्डिंग से वो ब्रिज होते हैं, ब्रिज के नीचे भी आपके पास जो पाइल कैप डाल के फिर आप नीचे जा रहे होते हो. सो बेसिकली मैन क्या फोकस होता है, आपके पास बेरिंग कैपेसिटी आप इन्हेंस कर रहे होते हो, बेरिंग कैपेसिटी इंक्रीज कर. नीचे आपके पास जैसे जैसे आप नीचे लेयर में जा रहे होते हो आपके पास हार्ड स्ट्रेटा आ रहा होता है. सो हार्ड सॉइल लगा रही होती है तो वो सॉइल आप तक, उस सॉइल तक आप लोड पहुंचाने के लिए ताकि वो सॉइल बर्दाश्त कर सके आप पाइल प्रोवाइड करते हो. अब ये आपके पास डिफरेंट लेयर्स हैं सॉइल की. अब आपने यहां पे स्ट्रक्चर बनाना है. आपके पास ये बिलो आप 3 फीट गए, 4 फीट गए, आपके पास हार्ड सॉइल नहीं आई, फिर आपने यहां पे पाइल प्रोवाइड किए, ये आपके पास नीचे हार्ड स्टार्ट है, आपके पास वहां तक पूरी है. सो ये जो आपके पास बिलो द ग्राउंड लेवल है ये आपके पास क्या है, पाइल कहलाता है, ताकि आपके पास लोड बर्दाश्त करने की ताकत आ सके. उसके बाद आपके पास आ जाता है पाइल की बात कर लेते हैं, पिलर लास्ट में करेंगे, ठीक है. पिलर बहुत आसान है. सो पाइल क्या होता है आपके पास, अब आपके पास जो भी ब्रिजेस में आपको सामने जो नजर आ रहा होता है वो आपके पास पाइल कहलाता है. जो आपके पास सामने राउंड में, रेक्टेंगल में, स्क्वायर में आपके पास जो नजर आ रहा होता है, स्ट्रक्चर नजर आ रहा होता है, वो आपके पास पाइल कहलाता है. अब आपके पास ये आपके पास आ गई पाइल कैप, यह आपने बिलो द ग्राउंड आपने पाइल प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, ये पाइल कैप. अब इसके ऊपर जो आपने पाइल प्रोवाइड करना है और इसके ऊपर जो आपने स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है वो आपके पास क्या कहलाता है, पायर कहलाता है इसके ऊपर. फिर आप उसके ऊपर आपके पास पायर कैप आ जाती है, पायर कैप के ऊपर आपके पास रोड का सेक्शन बन जाता है, ब्रिज का सेक्शन बन जाता है, बीम्स पड़ जाते हैं, गडर्स पड़ जाते हैं. सो आपके पास क्या, जो आपके ऊपर नजर आ रहा है, जो आपके ऊपर आपको आइस से नजर आ रहा है वो आपके पास क्या कहलाता है, पायर. जो आपके पास नजर नहीं आ रहा वो आपके पास कहलाता है पाइल. बट क्या हो रहा है, लोड यहां से पाइल कैप पे, पाइल कैप पे आ रहा है, पाइल कैप से पायर पे, पायर से पाइल कैप पे, पाइल कैप से आपके पास पाइल्स में जा रहा है. उसके बाद आपके पास आ जाता है कॉलम. कॉलम आपके पास अगेन कंप्रेशन मेंबर है जो बेसिकली आरसीसी स्ट्रक्चर्स में यूज किया जाता है. आरसीसी स्ट्रक्चर्स में यूज करने का इसका मकसद क्या है, कि आपके पास जो लोड है उसको ये बर्दाश्त कर सके. अब लोड बेरिंग वॉल्स होती हैं, वॉल्स के ऊपर भी लोड आ रहा होता है लेकिन जो आरसीसी स्ट्रक्चर होता है उनमें लोड किसके ऊपर, कॉलम के ऊपर आ रहा होता है. अब अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो ये आपके पास स्लैब है, स्लैब से लोड ट्रांसफर हुआ टू दी बीम, बीम से ट्रांसफर हुआ टू दी कॉलम. सो कॉलम से सीधा नीचे फुटिंग में जा रहा होता है. सो कॉलम इज अ कंप्रेशन मेंबर जो आपके पास लोड बर्दाश्त कर होता है. अब कॉलम आपके पास स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, आपके पास सर्कुलर हो सकता है, डिफरेंट शेप्स इसकी हो सकती है. पाइल भी सेम आपके पास रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, कोई भी डिफरेंट शेप हो सकता है लेकिन सर्कुलर इस वजह से किया जाता है वो इकोनॉमिकल होता है, आपके पास बोरिंग करने में आसानी होती है. उसके बाद आपके पास आ जाते हैं कि आपके पास पिलर क्या होता है. जो आपके पास पिलर है, पिलर आपके पास आप कह सकते हो ये आपके पास बेसिकली आर्किटेक्चरल व्यू,
आर्किटेक्चरल व्यू के लिए जो आप कॉलम बनाते हो, जो आप पिलर एक देते हो, एक आर्किटेक्चरल व्यू के लिए कोई सेक्शन बनाते हो कॉलम का, सो वो आपके पास कहलाता है एस्थेटिक व्यू. एस्थेटिक व्यू जो है वो आपका होता है कि आप की खूबसूरती के लिए आपने कुछ प्रोवाइड कर दिया, वो आपके पास आ जाता है. जिस तरह आपके पास, जिस तरह आप कह सकते हो कोई मीनार आपने बना दिया जिसके ऊपर आपके पास लोड नहीं आ रहा, लोड उसका वो अपना सेल्फ वेट है लेकिन कोई लोड नहीं आ रहा, वो आपके पास कहलाता है पिलर. ये बेसिकली आर्किटेक्चरल व्यू के लिए यूज़ किया जाता है. सो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट था जो मैंने कहा चलो आपके साथ क्लियर करते हैं कि आपके पास पाइल, पायर, कॉलम एंड पिलर में क्या डिफरेंस है. अब बहुत से लोग इसको मिला रहे होते हैं कॉलम एंड पिलर को. सो कॉलम आपके पास लोड बर्दाश्त कर होता है, पिलर आपके पास जस्ट एस्थेटिक का व्यू के लिए होता है, एस्थेटिक के लिए होता है. क्या आपके पास जस्ट आर्किटेक्चरल व्यू आप बना रहे हो, खूबसूरती बना रहे हो, वहाँ पे आपने पाइप प्रोवाइड कर दिया, पिलर प्रोवाइड कर दिया, सॉरी. सो अगर इंटरव्यू के लिए आप ऐप ढूंढ रहे हो, सिविल एंट्रेंस एन आइडियल ऐप, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्वेश्चन आंसर्स, MCQs आपके पास अवेलेबल है इन दिस ऐप में, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो. सो चैनल जरूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और वीडियो जरूर लाइक करो. कोई भी मसला इस वीडियो से रिलेटेड कुछ समझ ना आ रही नीचे कमेंट करो, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा. सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं.